गुड मॉर्निंग यशि जी। गुड मॉर्निंग। ये लोग घुमा खुश। चलाओ चलाओ चलाओ। इनकी जो भी कंडीशन है वो इनको पता है ना। करना थर्ड क्लास है बिल्कुल। जी काफी तारीफ कर रहे हैं। दे हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होगे। उत्तराखंड वाली, नैनीताल वाली, गुड वाली मॉर्निंग। जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं। पीछे देखिए कितना सुंदर व्यू है, इतना मनमोहक दृश्य है ना। सुबह मतलब आँखें खुलते ही विंडो के सामने ये व्यू दिखाई दिया। विंडो व्यू का ही मेन प्राइस है यहाँ पे, इसी वजह से जब हम रुके हैं यहाँ का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है होटल का। और हम लोग रहने वाले हैं उत्तराखंड के नैनीताल से हैं, लेकिन कभी भी नैनीताल में ऐसे में स्टे नहीं किया होटल में। फर्स्ट टाइम लेके वैसे स्टे कर रहे हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में जी साला कैसे आ गया मैं लंदन में, मन ईसाला कैसे। क्या सुंदर व्यू है यहाँ पे ऐसे बैठने का है। ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, यहाँ की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। नीचे यहाँ पे पार्किंग है। अंदर रूम में सभी लोग सो रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने हैं, ब्लॉग एडिट करना है। रात भी हमें सोते सोते 2:30 बज ही गए थे। सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं। ये मोमेंट्स दोबारा नहीं आएंगे। सो तो घर जाके भी लेंगे आराम से। गुड मॉर्निंग यशि जी। गुड मॉर्निंग। चाय की प्याले के साथ गुड मॉर्निंग होते हुए। गुड मॉर्निंग दीदू। गुड मॉर्निंग। टिंग टिंग टिंग। अभी नहाकर हम हो चुके हैं तैयार। आज आरू को मैंने ही नहलाया है और बाल वगैरह भी हमने सुलझा लिए हैं अपने। बाल गिले हैं, अब इसके बाल गिले, मेरे भी गिले हैं। और यहाँ पे चाचा भतीजा का फोटो भी चल रहा है। सुबह सुबह सामने तालने कश्तियाँ चलनी शुरू हो चुकी हैं। इतना बड़ा ताला, छोटी पिंकी पिंकी से दिख रही है, छोटी छोटी से आपको दिखाई दे रही है। ये देखो कश्तियाँ हैं, सभी कश्तियाँ चलनी शुरू हो चुकी हैं। ठंडी हवा चल रही है, देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। आज मैंने मेरा न्यू टॉप ट्राउजर वेयर किया हुआ है, देखिए। कोशिश कर रही हूँ फुल दिखाने की। आज आरू ने भी न्यू ड्रेस पहनी है और इसका पर्स भी नया है। इसकी गोगल भी कल हमने खरीदी थी, आपने देखा होगा। इसको भी मैंने तैयार किया फुली। बाबू दिखाओ हेयर स्टाइल, दिखाओ अपना पीछे से दिखाओ। ये देखो हल्के से ऐसे फोल्ड करके इसका हेयर स्टाइल बनाया। कैसा लग रहा है मेरा बच्चा? बहुत अच्छा। बीच पे हंस रहा है, बीच पे रो रहा है, क्या कर रहा है भाई? तो ऐसे हर वक्त इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, ऐसे रो रहा है। अरे वाह वाह शेर सिंह वाह, क्या बात है। बस इतना है, इसका इतना ही रोना है। अब खुश, गोद में ले लो, घुमा लो खुश। ये शूज लिए मुझे कम से कम 7 से 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन्हें संभाल रखे थे, कहीं बाहर जाएंगे तो पहनेंगे। आज बड़ी मुश्किल से मुहूर्त निकला है इनका। रूम कर दिया लॉक, अभी उतर रहे हैं हम नीचे। सही है, मिल बांट के काम करो तभी होता है। लीजिए हम तैयार हैं घूमने घूमने करने के लिए। आप तैयार हैं? हाँ जी। घूमने तो आया और करने क्या है? पार्किंग से निकलने लगे अभी हम। हरिओम गणगणपते नमः, हरिओम नमः शिवाय। देखो कैसी ढलान है, बिल्कुल ऐसी जा रही है। अभी रास्ते में रुके हैं हम, कार यहाँ पे कर दी है पार्क। नाश्ता करते हैं, भूख लग रही है बहुत तगड़े वाली। आएंगे हमारी पिक क्लिक कर दे। अच्छा तुम्हारी पिक क्लिक कर दूँ? अच्छा आज से सुंदर तैयार हुए हैं। आज लाइनर भी लगवाया, अगर लाइनर लगा दो मेरे पूछ वाला लाइनर लगाया मैंने फर्स्ट टाइम। बैक कैमरे से व्यू देखिए कितना मस्त आ रहा है। एक फोटो भैया हमारी ऐसे मस्त वाली फोटो। उनके बिजनेस यहाँ भी बंद नहीं हो रहे। वो कह रहा उंगली नीचे करो, गुस्सा आ रहा है उसे। हमारा तो मन था सिंपल प्लेट जैसे हम डेली अभी तक खाते आ रहे हैं वही वाला खाना खाने का, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नाश्ते में सिर्फ पराठे वगैरह है या सैंडविच वगैरह है, तो और कोई ऑप्शन है नहीं, तो पराठे मंगा रहे हैं अभी। गोभी और आलू के पराठे मंगाए गए हैं यहाँ पर।
क्या कहना चाहेंगे आप? पराठे चाहिए? ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी निकलने लगे हम यहाँ से। घर से बाहर निकल के ना डाइटिंग फॉलो कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हेल्दी खाना ना खाऊं। चलो चलते हैं। भीमताल पहुंच चुके हैं अभी हम, लेकिन अभी हमारा सफ़र जारी है। कहाँ जा रहे हैं वो आपको ही पता लगेगा बने रही व्लॉग में। जी हम पहुंच गए हैं नौ कुचिया ताल। दोपहर के एक बज चुके हैं हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। नौ कुचिया ताल नाम है यहाँ का, क्या फ़न करेंगे क्या मस्ती करेंगे। अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। गोलगप्पे वाले भैया भी खड़े हैं, इतनी बड़ी बॉल सी है। अभी हम लोग शिकारा में जाने वाले हैं। जहाँ पे हम लोग रुके हैं वहाँ पे सामने भी है, लेकिन वहाँ पे शिकारा नहीं है, वहाँ पे सिंपल छोटी वाली किश्तियाँ हैं। चलो चले चलो चले। ओह माय गॉड, वो देखिए सामने क्या हो रहा है। चलो चलो नहीं नहीं जल्दी जल्दी। कितने टाइम के लिए है ये? आधा घंटा। हाफ आवर के लिए। वो देखो पीछे बत्तखें कुत्तों इतनी सारी। बत्तखें देख लो बत्तखें। तीन सोफे लगे हुए हैं ये। एक सोफे में मैं बैठी आराम से, एक पे ये बैठी हैं आराम से, ये बड़े वाले सोफे सेंटर पे ये लोग बैठे हुए हैं। पूरा अच्छा व्यू है। बत्तखें अच्छी हैं। आज मैं थर्ड टाइम बैठी हूँ इस तरीके से। फर्स्ट टाइम फोर्थ सिटी गए थे हम, सेकंड टाइम वृंदावन गई थी मैं जब तक, और थर्ड टाइम ये। पहली बार जब बैठी थी तो थोड़ी एक्साइटमेंट थी, सेकंड टाइम नॉर्मल था, और फिलहाल तो मुझे बोरिंग ही लग रहा है। बैठे रहो बस, या तो खुद से चलाना फिर मज़ा सा आता है। जो हरकतें गाड़ियों में कर रहे थे वही हरकतें यहाँ कर रहे हैं बैठे बैठे रहे। ये चीज़ मस्त लग रही है, अपने आप चलाओ एंजॉयमेंट। ले 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 अच्छा ले 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 ले। कैसे गंदे चाचू हैं, घड़ी भी नहीं चाटने दे रहे लड़की को, बताओ। ऐसा चाचा किसका होता है? एक तो मैचिंग करके आए भतीजे के साथ पूरी पूरी। मैं आधा घंटा बहुत बढ़िया वाला एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग वापस आ गए अपने ठिकाने पे। आउट हमारा बाबू रो गया। चलो चलो छुट्टी हो गई छुट्टी हो गई। चलो चलो छुट्टी हो गई। पार्वती बोले शंकर से सुनो बोले नाथ जी। चलो चलो चलते हैं, देखते हैं और एक्टिविटीज की तरफ क्या किया जा सकता है। आरू का मन है यहाँ पे जंप करने का, अभी जा रही है इसके अंदर। चलो 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 चलो। और बहुत अच्छा है, पटक जाओ नीचे। अब नीचे भी गिरो। अतरी नाचो टन 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 टन। तो ऊपर घुसने के बाद अच्छे अच्छे की और खसक जाती है। ये दोनों ऊपर साइकिलिंग करने जा रहे, तैयारी करते हुए पतली सी रोप पे जाएंगे चला के साइकिल उस तरफ सामने, वहां से वापस यहाँ। अरे रेस मतलब ऐसी बोलो, साथ साथ ले गया हूँ। तो साइकिल पूरा नंबर पूछ चुका है। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बोल रहे। चलो राम राम जी राम राम जी राम राम जी। साइकिल चल साइकिल चल। उधर पहुंच गए, उधर वो साइकिल का रूट चेंज करेंगे ये लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डर तो नहीं लग रहा? हाँ या ना तो बोलो, डर तो नहीं लग रहा?
ये जंग जीत के वापस आते हुए मौज कर दी। कैसा लगा? मैं डर गया था बहुत ज्यादा। हेलो तुम सारा। मेरे दिल की धड़कन अभी तक बड़ी हुई है। मुझे ऐसे लग रहा था मैं नीचे गिर जाऊंगी करके। फिर जब उस कॉर्नर पे पहुंचे तो भैया ने कहा कि ऑटोमेटिक है, सिर्फ आपको पैडलिंग करनी है, सामने ध्यान दो, कुछ नहीं है। पर एक बार तो भैया डर लगता है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया आज। अब दीदी करनी है, अब दीदी की बारी, देखकर उनका एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। भैया यहाँ पे खड़े हैं वीडियोग्राफी करने के लिए। और पैडल मारते रहो, पैडल मारो, पैडल मारो, पैडल मारो, पूरे पहुंच गए। वो पैडल भी नहीं मार रही है यार, डर तो लगता है। अबे यार ये बीच में रुक गई, पैडल क्यों नहीं मार रही? करो 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 करो, पैडल मारो, पैडल मारो, पैडल मारो। अबे यार सच में डर तो बहुत लगता है, वो कहां पर ही है पूरी ऊपर। हाँ हाँ आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मारो मारो मारो, वेरी गुड। बांध रखा है, कहीं नहीं गिरोगे, डरने की कोई बात नहीं, खाली पैडल मारने दीदी। सामने देखो पैडल मारो, करो करो, गुड गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो करो करो। अरे नहीं गिरोगे, कुछ नहीं होगा, बैलेंस है सारा। चलो 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 चलो, डर लगता है ये थोड़ा तो। ये ब्रेक छोड़ो, चलो चलो, बहुत बढ़िया, हाफ हाफ ऐसे करके, वेरी गुड, हाफ हाफ और भी। हाँ भैया ऑलरेडी खड़े हैं ताकि वो जल्दी से खींच सके साइकिल को अपनी तरफ। ओह माय गॉड, ये सही है, सारी सुविधा है इनके पास यार। वो गुब्बारे वाली डर लगता है क्या बाबू? वो गुब्बारे वाले में जहाँ पर वो अच्छे उतरे, गुब्बारे वाले में जाना है आपको? हाँ। अच्छा देखते हैं अभी, आप भी चल। वो देखो मम्मी फंस गई है बीच में, आप भी चल। हाँ हाँ ठीक है, ये बैग कहाँ जा रही है, ये क्या हो रहा है? जो मार रहे थे पैडल तो तुम्हारे नहीं। अब तो बिल्कुल ही फ्री राइड है, तार से ही अलग हो गई अब तो साइकिल, पीछे का टायर हवा में घूम रहा है उसका। अब आपको एक्सपीरियंस हो गया, भाभी घुमा लो। हाँ आएंगे, आएंगे, आना पड़ेगा वहां से। एक मिनट, आने का जरिया नहीं है, कोई नहीं, अब आ गया ना, अब दोबारा घूमो भाभी, यहीं कोई बात नहीं। 500 रुपए दिए भाभी, बनना सारा आज का खर्चा रिंकू का। पहुंचो वहां पे, देख लो फिर मैं बड़ी वाली पैकेज दे दूंगा, 2000 वाली फिर करेंगे। हां करेंगे दोबारा? हां करेंगे हम। हां हां अरे चलो ना, आप आना तो पड़ेगा ही, वहां उतरने का ही नहीं है भाई, उधर भी जल्दी पहुंच जा। वो भैया पहले जा रहे हैं भाके खींचने के लिए दीदी को। भाभी अगर पूरा अगर पूरा ना हो ना, आधा आधा भी चलाते रहो, पहुंच जाओगे। स्पीड बस मोशन बना के रखो, पहुंच जाओ। एक स्पीड में चलाओ बस, ब्रेक मत दबाना बस, ब्रेक तो बहुत बढ़िया भाभी ने। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, चावल दुनिया का लग। अब जोश कैसे आ गया एकदम से, ये क्या था? अब तो बहुत सही गई यार, आ गई, आ गई, आ गई, देखो कितनी खुश होके आ रही है।
कोई बात नहीं होता कैसा रहा कैसा रहा वो अजीब सा लगा था चला नहीं पाई ना मैं हैंडल नहीं मोड़ा था कोई बात और दोबारा उन्होंने बताया कैसे करना तो मेरे का एक बार में ले गया अरे ये कह रहा है मम्मी ठीक है हमने देख लिया सब पैंडल नहीं चला पा रहा था वो नहीं चल रहा था बदल नहीं बैठ रहा था बढ़िया हो गया चला तो नहीं तो पानी नहीं आता आगे ले मैं सब आरू जिद कर रही है बहुत ज्यादा कि बैलून में जाना है बैलून में जाना है और कह रही है अकेले नहीं जाऊंगी आप भी साथ में चलो ये क्या जिद है भैया अकेले जाओ क्यों जिद लगा रहे फालतू में सब कुछ आपका बहुत महंगा है बाबू यहीं पे लुट जाएंगे हम सच में टिकट हर चीज भी काफी जा रहा है लेकिन एक एंजॉय भी हो रहा है मजा भी आ रहा है हमें तो पसीने पसीने आ गए हैं हेलो नाइस हम जा रहे हैं गोवारे वाले झूले में वो पानी में हम उसके अंदर कूदेंगे चलाएंगे अतिजनक हो सकती है अभी हम तीनों दिग्गज जा रहे हैं और ये आ रहे हैं बच्चों को संभालते हुए आज लेडीज की पार्टी हो रही है जेंट्स बेचारे परेशान हो रहे हैं कैसी लग रही है जिंदगी कठिन सी लग रही है इनके पास आरू का पर्स उनके पास मेरा पर्स क्या हमें लाके यहाँ पे हाँ एक बार हमें लेके आए एक बार में दिक्कत इतनी होने लग गई दोबारा जो पानी में जाने वाला है इसके अंदर हम पैक होने वाले हैं अभी आरू की खुशी देखो आ चुका है ये हमारे पास गुब्बारा गोल गोल जूते उतारने चलो 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 आराम से आराम से आराम से आराम से अभी बैठ जाइए रेड वाले पे आगे रेड वाले पे आगे बैठ जाओ बुढ़ी आप भी जाओ जाओ बाबू अपने हाँ हाँ अपने रिस्क में लेके जाना चाहो फोन तो लेके जा सकते हो वैसे अलाउड नहीं है मेरे पैर पे ला के भैया अभी बैठ कैसे बैठ जाओ बैठना ही है एक ये है अंदर भी वीडियो बना रही हैं काफी सारी मौज मस्ती के पसीने बह चुके हैं रुको अभी रुको रुको अभी रुको बोल रहे हैं आरू मजा आया बहुत मजा आया आरू के दिल की भी हो गई अगर नहीं करते पूरा दिन इसका मुंह खुला रहता अभी एक एक्टिविटी ये भी है जो करने की अभी हिम्मत नहीं है आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा लेडीज गैंग का दिन था और लड़कों का नहीं था हमारे हस्बैंड्स ने एक भी एक्टिविटी नहीं की सिर्फ हमें ही करवाई है सब मतलब हम शिकारा में तो सब साथ में गए थे हम बोल रहे थे ना क्या बोरिंग सा कर दिया मज़ा नहीं आया वो कह रहे चलो तुम मज़े लो तुम्हारे मज़े दिलवाते हैं लेकिन थक गए हम बहुत ज़्यादा इतनी गंदी वाली गर्मी का एहसास हुआ ना अभी थोड़ी देर पहले हमें अभी कार में एसी चला तो थोड़ा सुकून सा मिल रहा है अब बाबू भी खुश नहीं तो ये भी चिंगार हो गया था ये भी चिल्ला रहा था अभी जा रहे हैं हम वापस हाँ जी बाबू हाँ जी चाचू की वॉच खा लो चाची का ब्रेसलेट खा लो बस नो चुकी है ताल से आने के बाद हमारा पूरा प्लान था भी नैनीताल जाने का लेकिन अचानक से जोशी जी का मूड चेंज हो गया है अभी कह रहे हैं मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है हाँ मेरे पास है पर्स में ये रास्ता देखिए एकदम से खड़ी चढ़ाई है एकदम खड़ी चढ़ाई आरू ध्यान से हाँ बाबू चलो चले आज लाइफ के सारे कारनामे कर जाएंगे हम ये हमारे पहाड़ में बुढ़े बाढ़े लोग ऐसे चलते हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे यार इतना ऊपर चढ़वा दिया ना भैया वहाँ से आ रहे हैं दीदी यहाँ से आ रही है सब शॉर्टकट मारने की फिराक में हो रहे हैं ओह गॉड शिट मैन आरू देखो यहाँ पर जोशी से फॉर्म भरवाया जा रहा है वो रहे नीचे भैया हाय कर रही है वहाँ से ऊपर तो एक बार यहाँ पर जोशी जी अभी अब आ जा तैयार हो रहे आ जा मैं आधे पे उतर जाऊंगा आधे तू कर ले फिर आगे सब उड़ के जा रहे हैं यहाँ से छोटा बच्चा गया था पिंक पैंट ध्यान से जाना है सबसे चला मेरी तो साइकिलिंग में ही इतनी जान फंस गई थी लेकिन यह कि मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था भैया खुद कह रहे थे बहुत अच्छी चलाई आपने त
तकरीबन एक घंटा होने वाला है हमें यहाँ वेट करते करते। बार बार कह रहे हैं दूसरा आएगा पायलट वो लेके जाएगा, दूसरा आएगा पायलट वो लेके जाएगा, क्योंकि कुछों का वेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो हल्के वेट वाले हैं, इनके बाद वाले भी सब चले गए हैं, लेकिन इनका नंबर आने में ही नहीं आ रहा। तकरीबन डेढ़ घंटा वेस्ट करने के बाद जोशी जी आपको कैसा लग रहा है अभी, क्या कहना चाहेंगे आप? पैराग्लाइडिंग बिल्कुल थर्ड क्लास है, ना इनको दिमाग है ना कुछ, नहीं इनका जो भी इनकी कंडीशन है इनको पहले बोलने चाहिए ना, है ही नहीं किसी काम के, मतलब आज के बाद हर कोई ऐसे मैं नहीं लेके जा रहा, मैंने लेके जा रहा, मैंने लेके जा रहा, ऐसे कर रहे हैं पायलट इनके। तो इनके यहाँ बिल्कुल मत करना, थर्ड क्लास है बिल्कुल। मैं क्या नाम था? ईगल आइन पैराग्लाइडिंग, ईगल आइन करके है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत वाहियात रहा भैया यहाँ का। नौ चुकिया ताल से पहले लेफ्ट में दिखाता है, बिल्कुल नहीं पकड़ी, मना कर देना जी हमें नहीं जाना। तुम थर्ड कुछ अच्छा है हम तो भी आपके साथ शेयर करते हैं, कुछ बुरा है तो वो भी हमारा बताना आपको फर्ज बनता है। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत वाहियात रहा। हाँ अगर आपका वेट बहुत कम है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपका वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो बिल्कुल भी ट्राई मत कर। आ जाओ हम पहले ही लेट हैं भैया। ये भी एक मतलब बात ही बन गई है मजाक वाली। भैया बस शौक शौक से गए थे ना। अरे शौक शौक से बनाई गई थी और लोगों की वीडियो बना के दूसरों की बन गई। हमने पानी की बोटल इतनी खरीद ली है ना, अगर हम हिसाब लगाने लगे तो पता नहीं कितने का पानी पी गए खरीद। शाम के 4:15 बज चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। भूख लग रही है बहुत तगड़ी, क्योंकि कसरत कर ली है सभी ने जोशी जी को छोड़ के। रेस्टोरेंट देखिए कितना मस्त है, बजरी। हर रेस्टोरेंट के साइड पे ना व्यू बड़ा खतरनाक दिखता है भाई साहब। यहाँ पर भी हमारा लंच आ चुका है, कढ़ाई पनीर और इसके साथ दाल मखनी। जोशी जी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा बना खाना। मेरी फेवरेट मिस्सी रोटी भी आ चुकी है। लंच कर लिया अभी हमने, अब हम जा रहे हैं कार में बैठ के एक बार फिर से अपने होटल की तरफ। घर वापस आते आते भी शाम के 6 बज चुके हैं। जोशी जी यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं। चाबी आपके पास है, आपने तो लॉक किया था। ये देखिए शाम का व्यू, अभी भी किश्तियाँ चल रही हैं, इतनी सारी किश्तियाँ। तो जोशी जी आउटिंग करके आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, बेइज्जती हो गई वजन को लेके। चलता रहता है इतना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम वजन अपना कम करेंगे उसके बाद जाएंगे। बाबू मैं कैसा लग रहा हूँ? बाबू इधर देखो, बाबू चाचू को देखो, ठीक है गाइस, आज की आज का व्लॉग यहीं तक था। हमने बहुत घूमी शूमी की, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा तो करो, बोलो बेटा बोलो, बोलो चाची को फॉलो करो। अभी तो मम्मा भी नहीं बोलता क्लियर हो, चाची को बोलो करो करो कदे कर दिया समझ गए ना, कर दिया ना, समझो कि फॉलो कर दो। तो ठीक है मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय करो, बाय 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 बाय।